गुरुग्राम में रविवार को बड़े ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में एक और जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, इस दौरान क्रेन के जरिए भगवान जगन्नाथ को लगाए गए 56 भोग मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में रविवार को सेक्टर 45 स्थित इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। कोरोना के कारण 3 सालों बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अच्युत हरिदास ने बताया कि फूल पत्ते और रिबन से सजे लोहे के विशाल रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को बैठा कर ये रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर से सेक्टर 40 मार्केट, सेक्टर 31 मार्केट, झाड़सा, पटेल नगर, अग्रवाल धर्मशाला, गुरुद्वारा रोड होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर पहुंची। जो है, जो हमारा नया मंदिर शहर के बीच में है सेक्टर 45 में, जिसे कि हम श्री श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं। इस्कॉन के गुरुग्राम में 2 टेम्पल हैं, एक बादशाहपुर में है और एक सेक्टर 45 में है। सेक्टर 45 का मंदिर जो है, उससे आज रथ यात्रा शुरू है और हर साल ये कंटिन्यू रहेगी। पिछले 16-17 साल तक जो पहले होती रही थी, कोविड की वजह से बंद हुई। इस रथ यात्रा का संचालन भजनों के साथ किया गया, तो वहीं गुरुकुल वृंदावन से आए बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। वहीं इस्कॉन मंदिर से जुड़े भक्तों ने इस रथ यात्रा का महत्व भी बताया। आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो निकाली जा रही है, बेसिकली ये उड़ीसा में निकाली जाती है और इसके पीछे कई सारी पुरानी कथाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस रथ पे भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदेव जी के साथ सवार हैं, और एक बार उनकी बहन की इच्छा हुई थी नगर को दर्शन करने के लिए, तो अपनी बहन को नगर दिखाने के लिए वो रथ पर सवार होकर नगर की तरफ रवाना हुए। जबकि पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव होता है और उस दिन उनको रतन जड़ी सिंहासन पर बिठाकर बाहर मंडप पर लाया जाता है कि सभी लोग जो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते वो भी उनका दर्शन कर पाएं। ये जगन्नाथ की कृपा है सबके ऊपर कि विग्रह, सारे के सारे विग्रह अपना मंदिर छोड़ कर नहीं जाते हैं, पर जगन्नाथ जो है वो अपना मंदिर छोड़ के आते हैं, क्योंकि जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, मंदिर में दर्शन करने नहीं आते, पर वो क्या है, जब भगवान रास्ते पर निकलते हैं तो उनके दर्शन कर सकते हैं, उनको स्मृति मिलती है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में महिलाओं और बच्चों समेत हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को ट्रेन के जरिए दिया गया 56 भोग मुख्य आकर्षण रहा। रथों से रथ यात्रा को खींचते भक्त भगवान जगन्नाथ का जय घोष कर रहे थे और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते यात्रा में शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा हर साल इसी तरह से निकाली जाती है, लेकिन कोरोना काल में 2 साल ये यात्रा नहीं निकाली गई थी। लेकिन अब जैसे ही कोरोना का कहर कम हुआ तो सभी भक्तजन रथ यात्रा में शामिल हुए। इस रथ यात्रा में देश विदेश से भी लोग शामिल होने के लिए आते हैं।